दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के चिपाक मैदान पर रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे का आया जबरदस्त तूफान। उनकी घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुई पूरी कोलकाता की टीम, तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर अपनी टीम को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे चेन्नई की टीम ने लहराया एक बार फिर परचम, कैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने दिलाई अकेले दम पर टीम को यादगार जीत, कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और इस बार टीम को आईपीएल की ट्रॉफी ये दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। चेन्नई की शुरुआत तो बेहद शानदार हुई क्योंकि पहले ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे ने टीम को पहली सफलता दिला दी। फिलिप सॉल्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद सुनील नारायण का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं उनके साथ रघुवंशी भी भरपूर दे रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहमान से लेकर शार्दुल ठाकुर, यहां तक कि तुषार देशपांडे हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 56 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले के बाद 7वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रविंद्र जडेजा के हाथ में थमाई और जडेजा ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने रघुवंशी को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, उसके बाद भी जडेजा रुकने का नाम नहीं लिए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने इस बार अपना शिकार सुनील नारायण को बनाया और सुनील नारायण अपनी टीम के लिए 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी कि जडेजा ने पहले ही ओवर में 2 विकेट झटक कर कोलकाता की कमर तोड़ दी, उसके बाद भी रविंद्र जडेजा रुकने का नाम नहीं लिए। टीम के लिए एक बार फिर 9वां ओवर फेंकने आए रविंद्र जडेजा और अपने इस ओवर की पहली गेंद पर इन्होंने इस बार वेंकटेश अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई सुपर किंग को मैच में बेहतरीन वापसी करा दी। 64 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। इसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ देने रमनदीप आए, लेकिन ये भी केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 16वें ओवर की 4थी गेंद पर रिंकू सिंह भी तुषार देशपांडे के शिकार हो गए और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर आ चुके थे कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसेल। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन रसेल भी कुछ खास नहीं कर पाए। वो केवल टीम के लिए 10 रनों का योगदान देकर तुषार देशपांडे का शिकार हो गए। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनुकूल रॉय, लेकिन तब तक खुद कप्तान श्रेयस अय्यर भी 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 134 रनों के स्कोर पर टीम के 8 बल्लेबाज जा चुके थे। कोलकाता की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे चेन्नई के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र, वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। चेन्नई के बल्लेबाज धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पहले ओवर में चेन्नई बल्लेबाजों ने मिलकर 4 रन बटोर लिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा बेहद ही शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 11 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क और इस बार इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने दूसरी और तीसरी गेंद लगाकर चौका जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, अंतिम गेंद को भी रविंद्र ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे।
कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को विकेट की तलाश थी, टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार वैभव अरोड़ा और इन्होंने अपनी टीम को पहली सफलता रचिन रविंद्र के रूप में दिला दी। चेन्नई को पहला झटका 27 रनों के स्कोर पर लग गया। रविंद्र टीम के लिए 15 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब कप्तान गायकवाड़ का साथ देने के लिए डैरिल मिचेल आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। चार ओवर में चेन्नई का स्कोर 29 रन एक विकेट पर बन पाया, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। गायकवाड़ तेजी से अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए टीम की तरफ से वैभव अरोड़ा, लेकिन इनका स्वागत ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इसी ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 52 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण और इनका स्वागत इस बार डैरिल मिचेल ने 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। उसके बाद भी वो नहीं रुके, अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। चेन्नई के बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में ही 81 रनों तक पहुंचा दिया। गायकवाड़ अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों को देखकर तो यही लग रहा था कि चेन्नई बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लेगी और ठीक वही हो रहा था, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक ठोक दिया। चेन्नई का स्कोर 12 ओवर में ही 96 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण और इस ओवर में उन्होंने डैरिल मिचेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को मैच में वापसी कराने की पूरी कोशिश की। चेन्नई को दूसरा झटका लग चुका था और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने शिवम दुबे आए। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मैदान पर उतरते शिवम दुबे अपने बल्ले से जबरदस्त कमाल दिखाना शुरू कर दिए, एक के बाद एक चौके लगाने लगे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 15 ओवर में चेन्नई का स्कोर 115 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच चुका था। जीत से केवल कुछ ही कदम चेन्नई की टीम दूर थी, लेकिन शिवम दुबे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और इनका स्वागत इस बार शिवम दुबे ने बेहतरीन अंदाज में किया। पहले उनके ओवर की तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया, उसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। चेन्नई लगभग यह मुकाबला जीत चुकी थी, अब जीतने के लिए केवल कुछ रनों की और दरकार थी। लेकिन तभी टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा और इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना शिकार शिवम दुबे को बना लिया। शिवम दुबे 18 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के और एक चौके की मदद से 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर अब महेंद्र सिंह धोनी आए। टीम को जीत के लिए केवल 2 रनों की जरूरत थी और चेन्नई सुपर किंग ने अनुकूल रॉय की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। ये मुकाबला देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ चेन्नई के नाम के ही नारे लगने लगे और इस मुकाबले को चेन्नई ने 7 विकेट से अपने नाम किया। वहीं रविंद्र जडेजा को 3 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।